नाउन नोट्स में हमने नाउन के बारे में बताया, तीन टाइप्स बताया है। अब फटाफट तुम लोग भी रिकैप करते हुए जाओ। उसमें कॉमन नाउन के बारे में बात किए हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में बात किए हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो चुका है, मैटेरियल नाउन क्या है उसके बारे में बात हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ बात हुआ, इमोशन क्वालिटी एंड सो ऑन। आगे जाओ, उसमें कंक्रीट नाउन के बारे में बात हुआ है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेंडर नाउन। उसके बाद हमने बात किया कि प्लुरल नाउन कैसे बना सकते हो तुम सिंगुलर नाउन से, एस ऐड करके, ई एस करके एंड सो ऑन, बहुत सारे चीज़ थे इसके अंदर। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यू विल गेट कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो मैंने ये बात किया था लिक्विड एंड गैस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, पाउडर ग्रेन, मास नाउन, फीलिंग्स, नेचुरल इवेंट्स एंड स्टेट्स। उसके बाद हमने बात किया था कंपाउंड नाउन के बारे में, जिसमें फादर इन लॉ, लेडी डॉक्टर, ये सभी चीज़ के बारे में जिक्र हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात किए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, तो एडजेक्टिव से किस तरह बन सकता है, नाउन से किस तरह बन सकता है, वर्ब से कैसे बन सकता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। और उसके बाद बात हुआ कि आर्टिकल्स कैसे यूज़ किया जा सकता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। और हमको जनरली पता चलता है कि प्रॉपर नाउन में आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारे केसेस है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। तो ये चर्चा हो चुका था, रिकैप करवा दिए, ठीक है। नाउ विल सी डिफरेंट, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन। देखो ये चीज़ जितना भी बताया जाएगा तुमको, अब ये क्या है कि देखने में कुछ और लगता है, होता कुछ और। बाई लुक्स कुछ डिफरेंट है, जब लिखते हैं, जब अध्ययन करते हैं उसके बारे में विल गेट डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल देखो, कुछ कुछ नाउन तुमको देखने में प्लुरल लगेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें एस ऐड है, मगर वो हकीकत में सिंगुलर है। जैसे इनिंग्स है, देखो एस है ना अंतिम में, जैसे पॉलिटिक्स है एस भी है, फिजिक्स में भी एस है, समन्स में एक्स है, रिकेट्स में एस है, मिसल्स में एस है, न्यूज़ में एस है। तो जब एस देखते हो तो बहुत घबराना नहीं है, जो इन्हीं के प्लुरल हो वो सिंगुलर भी हो सकता है। ये सभी शब्द क्या है, सिंगुलर है, जो दिखता है प्लुरल की तरह मगर क्या काम करता है, सिंगुलर की तरह, समझे। एग्जाम्पल देखो, विराट कोहली प्लेड अ ग्रेट नॉक इन द थर्ड इनिंग्स, तो थर्ड इनिंग क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, है ना। थर्ड इनिंग जी, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, सब इनिंग को जोड़ोगे तब ना इनिंग्स, मोर इनिंग्स होगा, मैं इसमें एज एड है, मैं वो इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है। तो मैनी इनिंग्स यू कैन से, मैनी इनिंग्स, यस यू हैव लॉट ऑफ वर्ड्स। जैसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, देखो एज है कि नहीं है, फिजिक्स, तो फिजिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, देखने में क्या लग रहा है, प्लुरल लग रहा है क्योंकि एज है। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, सब एज है कि नहीं है, वो सब सिंगुलर है, होप सो। हाँ, फिजिक्स सिंगुलर है तो सिंपल, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, बात करता हूँ, बस नाउन है जी सिंगुलर। तो ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या किताब जो भी पढ़ते हैं डिफरेंट सोर्सेस, उस डिफरेंट सोर्सेस में जो हमको काउंटर करते हैं पढ़ लिख के, वो सभी शब्द को, सभी चीज़ को यहाँ पे रखा गया है। और इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि बहुत सारे शब्द देखने में क्या लगते हैं, प्लुरल लगते हैं, मगर वो सिंगुलर की तरह काम आते हैं। दूसरा देखो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एग्जांपल डजन, स्कोर, पेयर, थाउजेंड, हंड्रेड, ग्रॉस, ये सभी चीज़ जो तुम लोग को दिख रहा है, यदि हम लोग न्यूमरल ऑब्जेक्टिव पहले हो तो कभी भी एस ऐड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है समझो, एग्जाम्पल को थोड़ी समझ सकते हो। देखो, आई बॉट टू डजन ऑफ बनानास, है ना, दिख रहा है एग्जाम्पल सभी को। देखो क्या है डजन, देखो डजन से पहले टू आया है ना, टू आया है तो एडजेक्टिव है, उसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तुम्हारा नंबर वाला भी हो सकता है, आई हैव टू बनानास, तो क्या हुआ, बनाना से पहले टू आया तो बनानास का वैल्यू बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, यस yes, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब क्या कि एडजेक्टिव्स नंबर भी हो सकता है, और जो नंबर जब एडजेक्टिव होता है उसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, डजन वर्ड यूज़ हुआ ना वहाँ पे, तो डजन सबसे पहले क्या है, टू है, तो डजन में एस नहीं हो सकता है। यानी कि उससे पहले यदि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है, कोई नंबर संख्या आ जाता है, तो कभी भी हम डजन्स नहीं लिख सकते हैं, हमको डजन लिखना होगा। जैसे तुम लोग बच्चे लोग जब जाकर फॉर्म भरते हो SBI बैंक में, तो लिखते हो ना 2000 ओनली, भरे हो कभी 2000 ओनली, 3000 ओनली, तो जो अंतिम में जो 1000 होगा उसको एस मत ऐड करना, टू लिख दिए वो 1000 अपने आप प्लुरल हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। हाँ, नहीं, क्यों, क्योंकि 1000 जो शब्द है, 100 जो शब्द है, लाख है, करोड़ है, डजन है, स्कोर है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें यदि पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, टू आ गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, तो उसको प्लुरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन गया, समझ गए बात को। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, आई बॉट टू डजन ऑफ बनानास, राम सोल्ड फाइव पेयर ऑफ सॉक्स। देखो
पेयर से पहले फाइव है ना, तो पेयर में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बात को ना। आगे देखते हैं, मगर जब न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो आपको लगाना होगा उस समय। देखो डजन सब बनाना सुपर बटन लग गया वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले ना संख्या नहीं है हमारे पास, टू नहीं है, थ्री नहीं है। पेयर्स ऑफ सॉक्स वे डैमेज, बहुत सारे जोड़ी जूता के जोड़ी या सॉक्स का जोड़ी डैमेज है। समझ में आया, यानी कि उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होगा। यू कांट यूज सिंगुलर, आपको उस समय प्लूरल करना ही होगा। डजन को डजन्स बनाना होगा, पेयर को पेयर्स करना होगा। स्कोर्स, ही स्कोर्ड 400 रन्स, मतलब इधर हम एज अ वर्ब यूज किए हैं। यू वांट टू नाउन की तरह जानना चाहते हो ना तुम। देखो इसे क्या, जिसे रुको स्कोर, स्कोर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना कोई भी चीज़ को। आई हैव 100 स्कोर, क्या स्कोर हुआ है 100 स्कोर, नॉट एस। यदि 100 हट गया स्कोर्स, समझ गए बात को। तो स्कोर जो शब्द है वो नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। होप सो समझ में आ गया होगा, तुमको समझ में आया बाबू। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ द न्यूमरल एडजेक्टिव, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है वहाँ पे, तो हमको प्लूरल हम लिख सकते हैं, यानी कि डजन्स लिख सकते हैं और पेयर्स लिख सकते हैं। तो समझ गए पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, कि बहुत सारे वर्ड जो देखने में प्लूरल लगते हैं वो सिंगुलर होता है। सेकेंड वन क्या था, कि बहुत सारे शब्द डजन, स्कोर, पेयर, थाउजेंड, हंड्रेड, ग्रॉस, ये सब जो शब्द हैं इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आते हैं तो उसको प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन देखो, कि बहुत सारे नाउन्स अनकाउंटेबल हैं। देखो ये नियम है कि जो नाउन अनकाउंटेबल हो, जो नाउन को आप गिन नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है। जैसे वाटर, वाटर को नहीं गिन सकते हो, वो सिंगुलर हो गया। मिल्क, वो सिंगुलर हो गया। इसलिए वहाँ पे जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर वाले वर्ब आएंगे, इज होगा। जैसे वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग, तो वाटर के बाद इज आया ना, आर नहीं आया, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हुआ तो क्या हो जाता है, अपने आप सिंगुलर बन जाता है वो चीज़। समझ गए ना बात को, यानी कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर है। देखो एग्जांपल देखो, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर बन गया वो। सीनरी, सीनरी मतलब क्या है, ब्यूटी, तो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। एडवाइस, फर्नीचर एंड सो ऑन। जो देखो, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ फिजिक्स। दूसरा क्या है, सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखो इज आया कि नहीं आया वहाँ पे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो इज़ तुमको बताता है कि क्या कोई चीज़ तुम्हारा सिंगुलर है। समझ में आ रहा है ना, इज़ क्या है, वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब आया तो क्या है, सिंगुलर नाउन होगा। नाउन और वर्ब एक साथ काम करता है जी। हाउएवर, मगर तुम्हारे पास एक ब्रैकेट है। तुम देखो, तुम लोग समझने का प्रयास करो कि अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको ऐड करके तुम उसको एक दायरे में ला सकते हो, काउंटेबल के दायरे में ला सकते हो। जैसे देखो, अभी मैंने क्या बताया कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, उसमें हम बोल दें कि ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ थोड़ा सा लेके काउंटेबल बनाने का प्रयास। समझ रहे हो, उस तरह को फर्नीचर, फर्नीचर में आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी कि क्या हो सकता है। जैसे फर्नीचर अभी बात करूँ मैं, तो ये चेयर भी फर्नीचर हो गया, ये भी चेयर फर्नीचर हो गया, ये भी फर्नीचर हो गया, ये भी फर्नीचर हो गया, तो हुआ कि नहीं हुआ, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ पे हम कुछ शब्द ऐड कर देते हैं, फ्यू आर्टिकल्स, तो वो काउंटेबल के धारा में आ जाता है। समझ गए बात को। तो क्या है, इन्फॉर्मेशन और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो देखो वहाँ पे राम हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो क्या करने का प्रयास किया, इन्फॉर्मेशन तो कभी हो ही नहीं सकता है प्लूरल, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें हमने क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसका अमाउंट बताने के लिए हमने क्या किया, ए लॉट वर्ड यूज़ किया वहाँ पे। देखो ए लॉट ऑफ, समझ गए बात को। आई बॉट सम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, देखो सम यूज़ किए कि नहीं किए, सम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, जबकि फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने कुछ शब्द को जोड़ा है वहाँ पे। अब देखो रूल नंबर 9 क्या है, कि कुछ कुछ नाउन्स, ठीक है, डेट कैन बी यूज, आप सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था ना, ये डियर, सीप, फिश, स्पीसीज, याद करो, जस्ट बताया था। देखो यही एग्जाम्पल दिए थे, देखो
देयर इज अ डियर इन द जू, देयर आर मैनी डियर इन द फॉरेस्ट. समझ में आया ना सभी को ये? होप सो. ये बता चुके हम. देखो, आई बॉट अ स्पेशल स्पीसीज ऑफ फिश, आई बॉट मैनी स्पीसीज ऑफ फिश. देख रहे हो स्पीसीज, यहाँ पे ऊपर वाला जो स्पेशल स्पीसीज है वहाँ पे वो सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह काम कर रहा है. नीचे देखो स्पीसीज है वहाँ प्लूरल की तरह काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि उससे पहले मैनी शब्द है. बस अलर्ट रहो. उसके बाद देखो रूल नंबर 5, इफ कलेक्टिव नाउन्स डू नॉट कंटेन अ सिंगल टारगेट. मैंने क्या बोला है तुम लोग को कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? जिसका सिंगल एस्पिरेशन हो, सिंगल मिशन हो, सिंगल टारगेट हो, वही कलेक्टिव हो सकता है. यदि वो कलेक्टिव चीज से भटक जाए, यानी कि कलेक्टिव चीज से भटक जाए, जैसे देखो एग्जांपल, टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग गुड इन आईसीसी वर्ल्ड कप. तो टीम इंडिया इज है, इज मतलब क्या, वो कलेक्टिव है मगर वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है. मगर यदि मैं बात करूं प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया आर वेयरिंग देयर क्लोथ्स, प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म्स, तो अलग अलग प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं. अलग अलग प्लेयर कर दिया मैंने. जब अलग अलग प्लेयर कर ही दिया, क्यों? क्योंकि सबका उद्देश्य अलग है, अपना अपना कपड़ा पहनना है, तब वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है. ये खासियत है. देखो वही बोला जा रहा है कि यदि कलेक्टिव नाउन में कोई सिंगल एम ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो प्लूरल नाउन बन जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखो, इंडियन टीम इज परफॉर्मिंग गुड, ये क्या है? सिंगल एम है, यानी कि यहाँ पे टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. आप देखो इसी को तोड़ते हैं कैसे, द प्लेयर्स ऑफ आवर टीम आर वेयरिंग देयर क्लोथ्स, आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म्स. समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या हो गया, टीम क्या बन गया? ये प्लूरल नाउन बन गया. बिकॉज क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया टीम को अलग अलग प्लेयर्स में, और अब उसका सिंगल एस्पिरेशन, एम और टारगेट नहीं रहा. देखो ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस. ज्यूरी क्या है कि सब एक साथ बैठ के कोई फैसला सुनाते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हो गया. मगर यदि ज्यूरी का अपना अपना मत हो तो फिर प्लूरल बन जाएगा वो. समझ गए बात को? देखो क्या लिखा गया है, द ज्यूरी इज प्रोनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट. प्रोनाउंसिंग मतलब क्या होता है? जजमेंट देना, अपने वर्डिक्ट को देना. वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? जजमेंट देना. तो क्या है कि कलेक्टिव काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. दूसरा देखो, ज्यूरी प्रोनाउंस देयर वर्डिक्ट्स, यानी कि ज्यूरी क्या कर रहे हैं? अपने अपने वर्डिक्ट्स दे रहे हैं. तो जो यहाँ पे देखो, देखो ये सेंटेंस गलत है. हाँ मैंने बोला था ना कुछ कुछ गलत है, ये गलत होगा. देखो द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी प्रोनाउंस देयर वर्डिक्ट्स या डिफरेंट वर्डिक्ट्स. क्यों? क्योंकि हमको मेंबर्स ही तोड़ना होगा, हम ज्यूरी नहीं लिख सकते हैं. जब हमको कलेक्टिव नाउन से प्लूरल नाउन बनाना होगा तो हमको ये दिखाना जरूरी है कि वहाँ पे सिंगल टारगेट नहीं रहा उसका, वहाँ पे क्या है, वो भटक गया सिंगल टारगेट से. अर्गेटी में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरीज हैव प्रोड्यूस देयर डिफरेंट वर्डिक्ट्स, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैव प्रोड्यूस डिफरेंट जजमेंट्स. अर्गेटिंग में, क्योंकि हमने तोड़ दिया उसको. ये गलत है सेंटेंस, चेक कर लेना तुम लोग. हाँ ये गलत है, ठीक है? तो ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा, देख लेना तुम लोग. सब नाउन्स कैन बी यूज बोथ एज अ सिंगुलर. हाँ ये हो चुका है तुम लोग का. आगे बढ़ते हैं. 6th देख लो, डबल डबल आ गया, इट्स फाइन. इसमें भौचक्का होने वाली बात कुछ नहीं है. देखो आगे देखो, इफ सम नाउन्स रिपीट आफ्टर प्रीपोजिशन. देखो सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली लाइफ में तुम लोग देखते हो. यदि बच्चे लोग बात समझो, यदि एक नाउन है और उसके बीच में एक प्रीपोजिशन आया और वो फिर से नाउन रिपीट हुआ, समझे? एक नाउन है, प्रीपोजिशन आया और फिर वो नाउन आया, तो हमेशा जो नाउन हो वो सिंगुलर रहेगा. कहने का मतलब क्या हुआ, ही विजिटेड डोर टू डोर फॉर हेल्प. तो टू बीच में आया ना प्रीपोजिशन, यहाँ पे डोर्स टू डोर्स नहीं लिख सकते हैं. मगर यदि वो दर दर भटका है हेल्प के लिए, तो जो दर दर है ये शब्द है, ये तो प्लूरल है. तो देखो ये खासियत है इंग्लिश लैंग्वेज का कि वो सिंगुलर लिख के भी प्लूरल बोध बता दिया है, और ये चीज़ हमारे नहीं है हिंदी में. तो कहने का मतलब जो लैंग्वेज है वो अलग अलग प्रस्पेक्टिव से बनते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ समझ और है, हिंदी का कुछ समझ और है, ठेठी का अपना है. मगर हम दिक्कत क्या है कि हम सब लैंग्वेज को एक ही धारा में रखना चाहते हैं, इसलिए नहीं सीख पाते हैं. समझ गए बात को ना? लैंग्वेज का अपना यूनिकनेस होता है. समझ में आ रहा है पिंटू? लैंग्वेज अलग होता है. आप तुम्हारे घर में जो लोग हो गए वो अलग तरीके से हो गए, हमारे घर के लोग अलग तरीके से होंगे, और हम सोचेंगे कि हमारे घर के तरह ही तुम्हारे घर के लोग होते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है. तो इसी तरह लैंग्वेज भी अपना यूनिकनेस होता है. कल स्क्रिप्ट के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे विद्यार्थी को? यस. तो यहाँ समझने का प्रयास करो,
काउ आफ्टर काउ गोज फॉर ग्रेजिंग, यानी कि बहुत सारे काउस गए हैं ग्रेजिंग के लिए। आफ्टर जो शब्द है, आफ्टर शब्द क्या है सिंपली, वहाँ पे प्रीपोजिशन, वहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है। तो समझ रहे हो, यदि प्रीपोजिशन लग जाता है और वो शब्द सेम रिपीट है तो कभी भी वो प्लुरल नहीं आ सकता है, यानी कि काउज आफ्टर हाउस काउज नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारा डोर टू डोर, डोर्स टू डोर नहीं हो सकता है। क्या होगा यहाँ पे डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर का मतलब बहुत सारे डोर्स है, ये भी समझो। अब दूसरा देखो, रूल नंबर 7 एज फॉलोज, ही गेव मी 1.5 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये सही है, अब ये तुमको समझना होगा। देखो तुम्हारे पास दो सेंटेंस है, ही गेव मी 1.5 रुपीज, दूसरा सेंटेंस है ही गेव मी 1.5 रुपीज। देखो हाफ का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, रुपी कम से कम एक होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी, रुपी का एग्जिस्टेंस जो होगा, एग्जिस्टेंस समझते हो ना, रुपी होना क्या है, एक रुपया से स्टार्ट होता है ना कोई चीज, आधा रुपया कैसे बोल देंगे, नहीं बोल सकते। इसलिए स्टार्टिंग देखो, ही गेव मी 1.5 रुपीज, 1 क्यों कंप्लीट है तब रुपी, एंड हाफ लिखते हैं, हाफ के बाद रुपी नहीं लिख सकते हैं। मगर इसका यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब डेढ़ रुपया ही होता है, डेढ़ रुपया ही होता है, डेढ़ रुपया जो तुम्हारे पास नहीं है। खा गया तंबाकू, मुड़ा दिया क्या, है तुम्हारे पास डेढ़ रुपया। देखो तो ही गेव मी 1.5 रुपीज, गलत हुआ ना, क्यों, क्योंकि हाफ तो रुपी हो ही नहीं सकता है, कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। ये दूसरा है, वो देखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, आगे बढ़ जाओ। देखो जेंडर ऑफ नाउन, देखो अब जेंडर ऑफ नाउन का बात करेंगे, देखो खत्म होने वाला है, डोंट बड़ी उत्साह से पढ़ो, जल्दी खत्म हो जाएगा। जेंडर ऑफ नाउन्स, देखो इसमें क्या है, मस्कुलिन नाउन और फेमिन नाउन। देखो लायन है तो लायन का जो काउंटर पार्ट होगा फेमिन होगा, लायनेस होगा, टाइगर का टाइग्रेस होगा, गवर्नर का गवर्नेस है, और गॉड का गॉडेस है। यानी कुछ कुछ शब्द जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में ले जा सकते हैं, समझे बात को। देखो एग्जांपल वही बताया गया था, ESS करके कर सकते हो, ऊपर देखा तुम लोग ESS ऐड कर किए थे ना, लाइन में ESS ऐड कर दिए, टाइगर में ई को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिए, TIGER है, ई को हटा दिए वहाँ पे और TIGRESS कर दिए, तो थोड़ा सा वर्ड मैनिपुलेशन और अंतिम में ESS ऐड तो बन सकता है। दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि कुछ नाउन को रिप्लेस करके कर सकते हैं, जैसे मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट, सर्वेंट तो सेम है बाबू, मैन को हमने रिप्लेस कर दिया मेड से, वॉशर मैन है देखो वॉशर तो सेम है, मैन को वुमेन से कर दिए, ही बियर है तो ही को रिप्लेस कर दिया सी बियर से, हेड मास्टर है तो हेड मास्टर को हमने, मास्टर को मिस्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया। यानी कि कुछ कुछ नाउन हम रिप्लेस करके हम फेमिन में जा सकते हैं। अब एक है कि जिसके लिए कोई रूल ही नहीं बना है, जैसे लैड है, लैड मतलब होता है बच्चा, और उसके जो काउंटर पार्ट है फीमेल है, लेस कहा जाता है। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, पुराना इंग्लिश में, जैसे ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है बताओ जरा, दूल्हा है ना, खुश हो रहा है बताओ, ब्राइड ग्रूम, पढ़ो लिखो तब दूल्हा बनोगे है ना, है पिंटू है कि नहीं है, कि इच्छा है तुमको भी दूल्हा बनने का, नहीं ना, हमको पहले बनने दो है ना। देखो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, देखो ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है बाबू, आदित्य होता है, और ब्राइड दूसरा क्या है, दुल्हन है, जो कि तुम लोग को मिलने वाला है नहीं, जो बात है। हॉर्स है, हॉर्स का तुम्हारा क्या है फेमिन पार्ट, मेयर, पहले बता चुके। विडोर, तो विडो, विडो मतलब जिसका हस्बैंड का यदि वाइफ गुजर जाए तो उसको विडोर बोलेंगे, और यदि विधवा है तो विडो बोलेंगे, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 9, देखो रूल नंबर 9 में क्या है, वन, अच्छा सॉरी 4 बताओ, गधा 9 लिख दिया, चलो मेरा ही गलती है, चलो 4 है ये। वन शुड प्रिफर टू राइट मस्कुलिन पॉजिटिव प्रोनाउन ओवर द फीमेल, ये फेमिन पॉजिटिव प्रोनाउन इफ द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट अननोन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि देखो यदि तुम लोगों के पास सब्जेक्ट में कोई नाउन के बारे में क्लियर नहीं है तो उस समय जो क्या हुआ, जिंदगी से परेशान हो गए हो क्या, पानी पिलाओ उसको, फूल के वो हैप्पी काट रहा है वो, क्या तुम लड़ेगा बाबू, तुम क्या कैसे तुम जीतेगा, हाँ ए यू तू कैसे जीतेगा, तुम लपड़ झंटूस है ना।
कैसे होगा जी? यहाँ तो अभी दुल्हा दुल्हन का भी बात चल रहा है, बताओ। पानी पिलाओ इसको, समझ रहे हैं? पढ़ लिख करना क्या चाहते हो तुम लोग, है ना? मैं देखो बात समझने का प्रयास करो यहाँ पे फिर से। देखो अभी यही वीडियो देख लो, देखो अभी ये समझने का प्रयास करो कि जिसमें जिस सब्जेक्ट में क्लियरी नहीं है, वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तो उसमें हमेशा तुम्हारा मस्कुलिन पॉजिटिव लगता है। जैसे देखो, नो वन शुड अब्यूज हिज और हर नेबर, तो नो वन में पता ही नहीं चला तुमको कि वो लड़का है कि लड़की है ना? तो हमेशा ऐसा जब कन्फ्यूजन हो तो हमेशा क्या लगेगा? मेल पार्टी लगेगा। तो इसलिए पहला गलत है, हिज और हर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो वन शुड अब्यूज हिज नेबर, तो यानी कि मेल वाला लग जाएगा। नहीं समझना है तुमको, आगे बढ़ जाओ। देखो नो वन शुड अब्यूज हिज और हर नेबर, किसी को भी है ना गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेबर को, समझे? जो तुम नहीं करता होगा, समझे? तो अब इसमें हीज और, क्योंकि नो वन के बारे में पता ही नहीं, वो लड़का है कि लड़की है, पता नहीं है ना तुमको, नो वन में कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जहाँ जेंडर क्लियर ना हो, यदि जेंडर क्लियर ना हो तो हमेशा मस्कुलिन जेंडर लगेगा। देखो वहाँ पे हीज लग गया, यानी कि पहला गलत है, सेकंड राइट है। अब देखो मैंने तुमको बोला है ना 2017 में एक्टर, दोनों के लिए एक्टर होगा, एक्ट्रेस कट गया, तो मैंने बोला ना वहाँ पे लिखा है ना, ये देखो नोट करके, एक्टर अब एक्ट्रेस नहीं होगी, वो एक्ट्रेस अब एक्टर बन गया, ठीक है, समझ गए ना बात को? आगे देखो, यदि तुम्हारा जेंडर, मगर देखो यदि जेंडर क्लियर ना हो तब ना होगा जी पॉजिटिव, तब ना जेंडर होगा, तब ना तुम्हारा होगा, मेल होगा। यदि जेंडर क्लियर है तो काहे तुम लगाओगे? जैसे एग्जांपल देखो कि राम इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर, तो राम क्या है, जेंडर क्लियर है तो हिज लगाएंगे। और यदि सीता का बात हो, फीमेल का बात हो, तो वो तो डायरेक्ट क्लियर है तो हम फीमेल के लिए लगाएंगे शब्द। देखो सीता इज सिंगिंग विथ हर सिस्टर्स। आगे देखो, ओ बहुत खूब, अब हम अंतिम में हैं, अंतिम पड़ाव में हैं, ठीक है, थोड़ा सा रहो, दुरुस्त रहो, 10-15 मिनट में लपेट देंगे इसको। हाँ अब देखो बाबू, आगे बहुत किनारे में आ गए, तुम लोग का तपस्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ नाउन। नाउन तो पढ़ लिया, इतना डिंगड़ाबाजी हो गया क्लास में, है ना, ई हुआ वो हुआ सब जान लिए, बाबू यूज़े नहीं करने आया तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? समझ गए सौरभ? सीख रहे किस लिए? यूज़ करने के लिए, है ना? तो कहाँ पे यूज़ होगा नाउन का? देखो यहाँ से बात होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आदित्य? हाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अपने विवेक से अपने बुद्धि से ज़रा बताओ हमको, तुम बताओ। क्या होता है पिंटू, तुम ही बोल दो। वेरी गुड, अप्रिशिएट। आकाश कुछ नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में? नहीं अभी नहीं बताना है, अभी बताना ही नहीं है, अभी मुझसे बोलो। क्या बोलो जल्दी, नहीं अब नहीं टाइम है ना मेरे पास, देख नहीं रहा, ऑन रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे दे सकता हूँ मैं तुमको टाइम? यस हाँ, डूअर तो बोल तो दिया पीछे, डूअर, यस डूअर डूअर, करता धरता सब क्या है? सब्जेक्ट है। आप समझो, सिंपल समझो, देखो अच्छे से बात समझो, हिमांशु नहीं पूछना है डबल, एक बार समझ लो, कोई प्राचीन वाला भाषा तो नहीं है ना बोल रहे हैं जी, यहीं का भाषा बोल रहे हैं हम, तो एक ही बार समझो। देखो सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट तीन तरीके से पहचान सकते हैं, समझे? तीन तरीके से, ये मत देखो खाली वॉइस सुन लोगे समझ में आ जाएगा सभी चीज़, बस आवाज़ सुनते रहो। हम तीन तरीके से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। नंबर वन तरीका क्या है कि यदि कोई भी सेंटेंस है उसको हम क्वेश्चंस करें हु और व्हाट से, तो हमको सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एम एस धोनी इज़ अ गुड प्लेयर, हु इज़ अ गुड प्लेयर? एमएस धोनी, तो हु से पता चल गया ना। जैसे फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, तो व्हाट इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट? फिजिक्स।
तो हु और वर्ड से पता चल गया ना, एक एम एस धोनी बन गया तुम्हारा सब्जेक्ट और एक तुम्हारा फिजिक्स बन गया। तो समझ गए नंबर वन तरीका क्या है, यदि हु और वर्ड से हम क्वेश्चंस करें सेंटेंस को और वहाँ से जो शब्द मिलते हैं वही क्या है सब्जेक्ट। एक तरीका हुआ बाबू। दूसरा तरीका देखो, किसके बारे में बात किया जा रहा है, एम एस धोनी के बारे में है ना, दूसरा क्या था फिजिक्स के बारे में, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट ही। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखो, जो डूअर है, जो करता धरता है, जो काम कर रहा है वो भी क्या है, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तो आई एम प्लेइंग, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आर यू गेटिंग मी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये तीनों क्राइटेरिया एक सब्जेक्ट को डिसाइड करने में हेल्प करता है, और कभी कभी क्या होता है कि मात्र एक क्राइटेरिया ही हेल्प करता है, या कभी कभी दोनों ही हेल्प कर सकते हैं। यानी कि जो तुमको तीन अभी मानदंड बताए गए हैं, तीन तरीका बताया गया ना, तो कभी कभी ये तीन तरीका से तुम पहचान सकते हो, एक पहला भी तरीका से पहचान सकते हो, या फिर दोनों तरीके से पहचान सकते हो, या फिर तीनों तरीके से पहचान सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा तुमको कि पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। समझ गए, इसमें काम तो पंडित नेहरू ने नहीं किया, काम है पंडित नेहरू का, नहीं है, मैं किसके बारे में बोल रहे हैं, पंडित नेहरू के बारे में, तो हु से भी निकल गया और किसके बारे में बोला जा रहा है, यानी कि पहला क्राइटेरिया और सेकंड क्राइटेरिया से पंडित नेहरू बन गए सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग मी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ये जो तीन मानदंड है, जो तीन पैरामीटर्स है, बच्चा इधर देखो, जो तीन पैरामीटर्स है, इस तीन पैरामीटर में कोई एक पैरामीटर ही मैच कर गया वो सब्जेक्ट बन गया, और कभी कभी तीनों ही मैच कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, हु इज़ गोइंग टू मार्केट, आई से निकल गया। दूसरा क्या, किसके बारे में बोल रहा है, आई, और कौन काम कर रहा है, आई, वर्ब है ना उसमें, तो तीनों तरीके से निकल गया ये, होप सो समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट समझ गए बच्चे लोग, दूसरा तरीका समझते हैं हम लोग, तो आई हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, क्योंकि आई के बारे में बोला जा रहा है, तुम अपने बारे में बोल रहे हो ना, उसे तुमको कोई मतलब नहीं है बाबू, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा होगा तुम, देखो अभी आने दो ना, क्या भरोसा है इसका, ईटा उटा जोड़ के रखा हो पहले से है ना, एलपीजी वाला सब्सिडी तो आ ही रहा है उजाला योजना योजना से, रख दिया होगा वो, देखो बात समझो, दूसरा समझो, सब्जेक्ट हो गया, अब बात समझते ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का हिमांशु, ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से ऑब्जेक्ट, वो तो बोल दिया ना, वो तो सब्जेक्ट हो गया, हाँ तो मुंह पे लाओ, अब फिर कान पे आएगा मेरा, बोलो यस, चलो तुम ही बोल दो, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बारे में बोलो, क्या होता है ऑब्जेक्ट, यस श्योर हो किस चीज के बारे में बोलते हो वो ऑब्जेक्ट है, क्या होता है जी, बोलो, क्लास अटेंड किए हो पहले, क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो देख का है बोल रहा है, तुमको तो बहुत होना चाहिए, मैंने कितना नंबर ऑफ टाइम्स बोला है क्लास में, तो फिर वो तुम्हारे ब्लड में घूमना चाहिए ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यस पिंटू टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट बोलो, वेरी नाइस, नाइस वन, देखो वेरी गुड, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक्शन किस पे पड़ रहा है, बात समझे, यदि डायरेक्ट पड़ता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यदि इनडायरेक्ट पड़ता है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पहचान वो सब्जेक्ट से ही होता है, यदि सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, आर यू गेटिंग मी, यानी कि सब्जेक्ट जो करता है, एक्शन करता है, वो पड़ता कहाँ पे, किसी पे पड़ता है डायरेक्टली, तो वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यदि इनडायरेक्टली पड़ता है तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ में आया ना, जैसे राम किल्ड रावण, राम ने किसको मारा, रावण को, असर पड़ा कि नहीं पड़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ गए, आई बॉट माई सन अ बाईसाइकिल,
आई बॉट व्हाट अ साइकिल. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट किया रहा मैंने किसके लिए, माय सन के लिए. तो माय सन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब ये समझने का प्रयास करो कि कैसे ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है. आर यू गेटिंग में समझ में आ रहा है तुम लोग को ना. तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तुम्हारे पास तरीका है, दो तरीका है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या है तुम्हारा, टू हुम, किसके लिए, और क्या व्हाट से तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो. आई रिपीट, व्हाट से, WHAT. जैसे व्हाट से हम सब्जेक्ट पहचान रहे थे ना अभी, व्हाट से और हु से, तो सिमिलरली तुम्हारा व्हाट से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, व्हाट से और हुम से भी, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं, टू हुम से, टू हुम से. जैसे एग्जांपल देखो, आई बॉट माय सन अ बाईसाइकिल. आई बॉट माय सन व्हाट अ बाईसाइकिल. समझ में आ रहा है, किसका चेहरा देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है तुम लोग को. क्या तुम कहाँ पे हो, यहाँ पे हो कि नहीं हो, क्या बोला मैंने सेंटेंस बताओ जरा, बताओ. मैं अलगे जोन में हूँ, ये तीसरा जोन में है, ये बोलो जरा क्या बोले हैं सेंटेंस. ये सरस्वती पूजा में भी ध्यान है क्या, किसी से लग गया था क्या नैन. हाँ क्या बोले थे सेंटेंस, जरा बोलो हिमांशु. ठीक है ठीक है, इतना जाती नहीं करना चाहिए तुम लोग पे. देखो सब्जेक्ट, देखो तो मैंने बता दिया. देखो सब्जेक्ट क्या, हु और व्हाट से पहचानते हैं. देख लो यहाँ पे, अक्षय कुमार एक्ट्स वेल इन बॉलीवुड. तो हु एक्ट्स वेल इन बॉलीवुड, अक्षय कुमार, पता चल गया तुम लोग को. यानी कि हु और व्हाट से हम पहचान सकते हैं, और दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये बता चुके हैं. ऑब्जेक्ट बताए थे ना अभी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका एक्शन डायरेक्ट पड़े किस पे, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि डायरेक्ट ना पड़े मैं इनडायरेक्टली पड़े. एग्जांपल देखो यहाँ पे कि राम किल्ड रावणा, तो रावणा क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि राम का एक्शन डायरेक्ट पड़ रहा है रावण पे. दूसरा देखो, द साइक्लोन, अम्फान साइक्लोन डिस्ट्रॉयड उड़ीसा. तो जो अम्फान साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में आया था, किसको डिस्ट्रॉय किया, वो उड़ीसा को किया. तो वो साइक्लोन के आने की वजह से फर्क पड़ा ना उड़ीसा को, तो यही क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देख लो, जैसे यही बोल रहे थे हम, ही बॉट हिज सन अ बाईसाइकिल. देखो ही बॉट व्हाट अ बाईसाइकिल ना, उसने क्या खरीदा, बाईसाइकिल खरीदा ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैं किसके लिए खरीदा, टू हुम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सन के लिए. तो समझे, टू हुम से पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से पता चलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे, तो ही बॉट हिज सन अ बाईसाइकिल, ही बॉट व्हाट अ बाईसाइकिल, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही बॉट अ बाईसाइकिल टू हुम, दैट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर हिज सन. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे तुम लोग के साथ अभी हो रहा है, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ न्यू लेसन. समझ रहे हो, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ न्यू लेसन. द टीचर टॉट व्हाट, न्यू लेसन, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम, टू द स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समझ गए ना बात को, गोपाल समझ में आया, अब सिंपी समझ में आया. आगे देखते हैं, यानी कि फर्स्ट वन कंप्लीटेड, सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब बात करेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कर कुछ नहीं रहा है, सब्जेक्ट के बारे में केवल डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है. मैं पंडित नेहरू के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि वो पहला प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे भारत का. समझ गए ना, तो यही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो चीज़ सब्जेक्ट को कंप्लीट करे. कंप्लीमेंट मतलब होता है कंप्लीट करना, जो चीज़ सब्जेक्ट को कंप्लीट करे वही क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या हो गया, द फर्स्ट PM. क्यों, क्योंकि फर्स्ट PM किसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है ना. तो समझ गए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं. यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. जैसे देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिया गया कि विराट कोहली बिकम्स द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट. करेक्ट बात है ना, तो विराट कोहली को कौन कंप्लीट कर रहा है, बेस्ट प्लेयर. तो बेस्ट प्लेयर तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, और विराट कोहली सब्जेक्ट है. क्यों, किसके बारे में बात हो रहा है, विराट कोहली के बारे में बात हो रहा है. बहुत अच्छा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. अब तो ऑब्जेक्ट समझ ही गया तुम लोग,
ऑब्जेक्ट समझ गया ना अब तुम लोग? तो अब ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करेगा वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा. सो सिंपल. एग्जांपल देखो, द सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड रोहित शर्मा द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. इसको समझना अच्छे से. तो सिलेक्शन कमिटी ने क्या किया, किसको अपॉइंट किया, रोहित शर्मा को अपॉइंट किया न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. तो यहां पे तुमको यह समझना होगा कि द सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन. द न्यू कैप्टन क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वेरी गुड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कौन कंप्लीट कर रहा है, रोहित शर्मा कंप्लीट कर रहा है. समझ गए बात को ना? यानी कि जो ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करे वो क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. देखो तो रोहित शर्मा क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया. और न्यू कैप्टन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वहां पर लिखा है, जैसे देखो एग्जाम्पल, जी कुमार मी अपॉइंटेड आदित्य द न्यू मॉनिटर ऑफ द क्लास. ठीक है, देखो तो जी कुमार ने क्या किया है, न्यू कैप्टन किया है ना, मॉनिटर, न्यू मॉनिटर किया है. तो न्यू मॉनिटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ. और इस ऑब्जेक्ट को कौन कंप्लीट कर रहा है, आदित्य कर रहा है. तो आदित्य क्या हो गया, वहाँ पे मारेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया. समझे? अब देखो फिफ्थ वन, यानी कि अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. इसमें बताने का प्रयास ये कि देखो टू के बाद जितने भी शब्द होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. जैसे आई वॉज पॉइंटिंग टू व्हाट, बोले ना वर्ड से हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं. तो आई वॉज पॉइंटिंग टू अ ग्लोइंग स्टार इन द स्काई. तो ये तुम्हारा क्या है कि ग्लोइंग जो शब्द है इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोलेंगे. अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और बाद में बताएंगे. इट्स फाइन, इसको स्किप कर दो, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा ये चीज़. जराउंड और इन्फिनिटिव. देखो जराउंड इज सो इम्पॉर्टेंट. देखो ऐसा है, नाउन तो बहुत बड़ा चीज़ है ना. नाउन में वर्ब जो तुम्हारा V4, वर्ब जानते हो ना, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो V1 से V5 तक का यात्रा कर सके. V1, V2, V3, V4, V5 कोई भी एक शब्द है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, है ना, पांच यात्रा किया कि नहीं किया. ऐसा शब्द जो V1 से लेके V5 तक जाए उसको मेन वर्ब कहते हैं. होप सो समझ में आ गया होगा. अब देखो ये समझाने की क्या ज़रूरत है तुम लोग को, ये इसलिए समझाने की ज़रूरत है कि जो तुम्हारा V4 फॉर्म है, V4 फॉर्म क्या होता है, ING फॉर्म, जानते हो ना, बहुत बेसिक कंसेप्ट है. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्ब को, ING फॉर्म को यहाँ पे नाउन के तरह यूज़ कर रहे हैं. देखो बहुत बड़ा बात है ये, समझो इतना ताकत है नाउन में. क्या कर रहे हैं कि V4 ING फॉर्म को यहाँ पे हम नाउन के तरह यूज़ कर रहे हैं. जब ऐसा करते हैं तो उस समय उस शब्द को जराउंड कहा जाता है. क्या कहा जाता है, जराउंड कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखो, गोइंग, प्लेइंग, वॉचिंग. अब देखने में तो V4 लग रहा है, मैं इसका यूज़ करके हम तुमको बताएं कि कैसे नाउन में यूज़ किया जाता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में. दैट इज़ अ जराउंड. अब दूसरा बात करते हैं टू इन्फिनिटिव. देखो टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या कि टू प्लस V1 फॉर्म. V1 फॉर्म क्या है, जैसे गो है, वेंट है, गॉन है, गोइंग है, गोज है. तो पहला शब्द क्या था, गो था ना बाबू, V1. तो टू गो, टू वॉच, टू वॉक, यानी कि जो पहले V1 है, यानी कि टू प्लस V1, ये भी हम एज अ नाउन यूज कर सकते हैं. और यदि ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव कहलाएगा. समझ गए बात को ना, वो इन्फिनिटिव कहलाएगा. बस सब रखो, ख़त्म होने वाला है. हाफी पे हाफी काटा जा रहा है पीछे से. तुम लोग क्या, तुम लोग डिमोटिवेट कर देगा हमको. देखो मैं अंदर क्या, अंतर क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जराउंड और इन्फिनिटिव में. समझे बात को. देखो जराउंड में जो एक्शंस होंगे, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू तुम लोगों को समझाऊंगा. जराउंड में जो एक्शन होते हैं वो रियल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, फिक्स होते हैं. मगर इन्फिनिटिव में जो एक्शन होता है वो फ्यूचर होता है, अनरियल होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है. अब देखो ये मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है. देखो ये गलत शब्द है यहाँ पे, आई एम अ बॉय, ये मत लिखना, ये गलत है. देखो नीचे जाओ. देखो यहाँ पे समझो. अब मैंने क्या बोला तुम लोग को, यहाँ पे देखो सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, नाउन का मतलब ही क्या है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है. नाउन का एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट में भी कैसे यूज हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो उसी तरह जराउंड भी तो अब नाउन ही बन गया और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही बन गया. तो यानी कि अब जब जराउंड नाउन बना है तो इसके पास भी उतना ही पावर है, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है.
और उसी तरह इन्फिनेटिव जो अब नाउन बन चुका है वो भी सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. सो सिंपल. अब देखो यही वहाँ पे लिखा गया है कि फार्मर्स अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन देयर फार्म्स. तो देखो फार्मर्स अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स. अब यहाँ पे बाबू तुम लोग जो यूजिंग दिख रहा है वी फोर है ना, और यहाँ पे क्या है, जराउंड है. जराउंड है ये. और कैसे पता चलेगा कि जराउंड है? आईएनजी है. देखो जराउंड पता करने का तरीका एक और है. सुनो सभी लोग सुनो. देखो मेन वर्ब, आई रिपीट, मेन वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं. मेन वर्ब मतलब समझिए जो वी वन से लेके वी फाइव तक जा सकता है, वैसा कभी भी रिपीटेटिव नहीं आ सकते हैं. यदि ऐसा रिपीटेटिव आया यानी कि पहला मेन वर्ब है उसके बाद भी कोई दूसरा मेन वर्ब आता है तो पक्का वहाँ पे कोई एक जराउंड है. समझे बात को? वहाँ पे पक्का एक जराउंड है. एग्जांपल देखो अवॉइड क्या है. देखो अवॉइड वहाँ पे मेन वर्ब है कि नहीं है? और उसके बाद भी यूजिंग तो मेन वर्ब था, तो यूजिंग मेन वर्ब हो ही ना सकता है. क्यों? क्योंकि वर्ब प्लस मेन वर्ब आ ही ना सकते हैं एक साथ. इसलिए बाय डिफॉल्ट बाय सेटिंग क्या हो जाएगा वहां पे, वो जराउंड बन जाएगा. और जराउंड बन गया तो ऑटोमेटिकली नाउन का काम करेगा. और यहाँ पे कैसे काम कर रहा है फार्मर्स, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्मर्स, हु अवॉइड फार्मर्स, तो कोई सवाल ही नहीं सब्जेक्ट बनने का. तो फार्मर्स अबाउट व्हाट यूजिंग, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया यूजिंग. यानी कि यहाँ पे जराउंड किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. समझ गए बात को? तुमको सौरभ कुछ समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो समझते रहो. दूसरा देखो, वॉचिंग थ्रिलर मूवी इज़ अ गुड पास टाइम एक्टिविटी. अब देखो वॉचिंग है ना, आईएनजी फॉर्म है ना, वी फोर है. अब देखो अब तुम बोलो कि वर्ब है. देखो नहीं वर्ब नहीं है कि व्हाट इज़ अ गुड पास टाइम एक्टिविटी वॉचिंग थ्रिलर मूवीज. तो वॉचिंग शब्द आया कि नहीं आया जराउंड, और यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. कि व्हाट इज़ अ गुड पास टाइम एक्टिविटी वॉचिंग थ्रिलर मूवी इज़ अ गुड पास टाइम एक्टिविटी. तो होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को. तो इन्फिनिटिव भी देखो, मैंने पहले ही बोला कि जराउंड जब नाउन की तरह काम करेगा तो बाई डिफॉल्ट वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का भूमिका अदा कर सकता है. तो अभी मैंने जो ऊपर बताया यूजिंग, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. नीचे जो वॉचिंग है वो किस तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट. समझे? तो इन्फिनिटिव भी ऐसा ही होगा. इन्फिनिटिव भी नाउन हो गया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा. जैसे आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिकनिक, आई वॉन्ट वॉट टू गो ऑन पिकनिक, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो. समझ गए बात को? टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. तो व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. तो टू स्विम क्या इन्फिनिटिव है, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. तो होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को. अब देखो यहाँ पे, अब मैं तुम लोग को एक शब्द जो छोड़ा था ऊपर वाला, मैंने क्या बोला था वहाँ पे कि देखो रुक जाओ एक्शंस. अभी जस्ट ऊपर बोले थे ना कि जो एक्शंस होंगे, एक का रियल होगा, कंप्लीट होगा, फिक्स्ड होगा, एक का क्या होगा, फ्यूचर होगा, अनरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट ना? तो देखो जराउंड में क्या होता है, हमेशा तुम्हारा रियल है. अब रियल मतलब क्या है कि जो वास्तविक है, जो हो सकता है. दूसरा क्या, कंप्लीट, जो वर्क कंप्लीट हो चुका है. तीसरा क्या, फिक्स्ड, जो तय है. जैसे देखो एग्जांपल देखो, फार्मर्स अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन देयर फार्मर्स. यहाँ पे यूजिंग सब देखो रियल है ना, बात वास्तविक बात है. अब देखो अब यहाँ तीनों पैरामीटर में कोई भी एक पैरामीटर मैच कर गया, समझे, वो क्या बन गया, जराउंड बन गया. तो यहाँ रियल बात है ना, यूजिंग नंबर वन, कंप्लीट बात नहीं ना है, कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, मगर फिक्स्ड है. फिक्स मतलब तय है कि उसने अवॉइड कर दिया. तो यानी कि यहाँ पे रियल और फिक्स मैच कर गया. तो मगर बहुत सारे शब्द है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट का भी दिखा सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, सचिन तेंदुलकर, आई रिपीट, सचिन तेंदुलकर स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2013. सचिन तेंदुलकर स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2013. स्टॉप्ड के बाद प्लेइंग है ना, और ये क्या है, कंप्लीट हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है ना, अब नहीं खेल रहे हैं वो. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जराउंड में कंप्लीट वाला भाव भी आ सकता है. ये तीनों में कोई भी एक मानदंड मैच कर गया, वो जराउंड बन गया. समझ गए बात को ना? दूसरा क्या है, एक्स. दूसरा क्या है तुम्हारा, सेकेंड वन इज योर इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव में क्या बात है, फ्यूचर, अनरियल और तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट. फ्यूचर देखो, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज है ना, बताए ना, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज. ये हुआ है नहीं हुआ है, अनरियल है, फिक्स नहीं है, अभी हुआ नहीं है, बस बोला जा रहा है. समझ गए बात को ना? ये फ्यूचर है,
टू स्विम अ गुड एक्सरसाइज. अब देखो टू स्विम अ गुड एक्सरसाइज और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. इसमें हम तय कर रहे हैं, इसमें रियल बात कर रहे हैं. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बट टू स्विम इज, यानी कि स्विम करना अच्छी बात है. स्विम करना हुआ नहीं है, अच्छी बात, अच्छा एक्सरसाइज है. यानी कि टू स्विम जब लगता है उसमें एक्शंस क्या है, फ्यूचर है. टू स्विम आने वाले भविष्य की बात, अनरियल है, जो ही नहीं कि ऐसा हो. और तीसरा क्या, एब्स्ट्रैक्ट है, वो मतलब फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो यानी कि इन्फिनेटिव क्या है, वर्क कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, फ्यूचर है, अनरियल है और एब्स्ट्रैक्ट है. समझ गए बात को, बस खत्म ही हो गया बस. अब देखो कुछ कुछ थोड़ा सा बच गए थे, उसके बारे में मैंने लिखा दिया था कि मैंने ये बोला था कि इसमें कि देखो कभी कभी हम सिंगुलर से लेके प्लुरल की तरफ जाते हैं. तो हम सिंगुलर को दो तरीके से प्लुरल किया जा सकता है. जैसे ब्रदर है, ब्रदर को हम ब्रदर्स भी कह सकते हैं, ब्रिथरन भी कह सकते हैं, दोनों ही प्लुरल है. तो ब्रदर जब ब्रदर्स होंगे तो उसका मतलब कहते हैं अपना घर का ब्रदर्स. और ब्रदर का प्लुरल ब्रिथरन भी होता है. ब्रिथरन का मतलब क्या होता है, मोहल्ला वाला ब्रदर, सोसाइटी का. समझ गए ना बात को, यही चीज है. यानी कि ब्रदर का प्लुरल ब्रदर्स भी हो सकता है, ब्रिथरन भी हो सकता है. ब्रदर अपना रिलेटिव्स, ब्रिथरन जो मोहल्ले के जो ब्रदर्स हैं. दूसरा देखो क्लोथ, क्लोथ का भी दो प्लुरल हो सकता है. क्लोथ और क्लोथ्स, ऊपर एस होगा, गलत है, वहाँ पे ऊपर एस ऐड होगा. अनस्टिचेस, अनस्टिच मतलब क्या, जिसको जिस पे टेलरिंग नहीं किया गया है. जैसे अभी जाते हो ना, बोलते हो ना कपड़ा दिखाइए, सूट सिलाएंगे, क्लोथ्स, CLOTHS, क्लोथ्स. तो क्लोथ का प्लुरल क्लोथ्स हुआ ना. और उसमें यदि हम प्लुरल ई एस से करते हैं तो वो कपड़ा सिया चुका है तुम्हारा, शादी ब्याह अटेंड कर सकते हो, समझे. क्लोथ्स यानी कि गारमेंट्स, देखो कितना हम कर रहे हैं शादी ब्याह का बात. यहाँ देखो डाई, दूसरा क्या है, दूसरा डाई का डाइज और डाइज दोनों हो सकते हैं. डाइज देखो, डाइज वही है जो स्टैम्प्स आपके प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होते हैं, उसको भी डाइज कहा जाता है. और दूसरा डाइज क्या है, मामा सुकुनी वाला, भांजा फेंको जीतेंगे, महाभारत वाला, हाँ समझ गया ना, बर्बाद कर देंगे, मत खेलना तुम लोग डाइस. लास्ट है इंडेक्स, इंडेक्स को भी दो तरीके से कर सकते हैं आप. इंडेक्स को इंडेक्सेस, इसका मतलब होता है कंटेंट्स, जो किताब देखते हो शुरू में लिखा रहता है ना इंडेक्स, टेबल ऑफ इंडेक्स, यही है वो होता है तुम्हारा कंटेंट्स, क्या क्या है तुम्हारा सिलेबस में. दूसरा क्या है, इंडिसेस, इंडिसेस जो बच्चे लोग मैथमेटिक्स किए हो ना, एक्सपोनेंशियल क्या होता है बाबू, ए का पावर बी इंटू ए का पावर एन, क्या होगा, ए पावर ए ऊपर का पावर जोड़ दो, है ना, एक्सपोनेंशियल. यदि इंटू है तो, डिवाइड है तो माइनस कर दो, याद है, दैट इज एक्सपोनेंशियल. मैथमेटिक्स तुम लोगों का बहुत वीक है क्या जी, मैथमेटिक्स आया तो बाबू हाथ तो चलेगा ही. देखो ए, ठीक है, और ए पावर एम है, इसको कैसे बोल सकते हैं, ये जो देख रहे हो n और m देख रहे हो, यही क्या है तुम्हारा इंडिसेस है, समझ गए ना, एक्सपोनेंट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स. बस लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं. ऐसे बहुत सारे नाउंस होते हैं, ठीक है, जिसका सिंगुलर मीनिंग कुछ और होता है, प्लुरल मीनिंग कुछ और होता है. जैसे एयर है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, हवा, उसमें हमने s ऐड कर दिया तो उसका मीनिंग शो ऑफ हो जाता है, दिखावटीपन. यदि s ऐड कर दिए एयर में तो दिखावटीपन हो गया. जैसे फिजिक देखो, फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, बोलते हैं ना फिजिक की दुकान में जाओ, मेडिसिन दुकान जाओ, और उसी में तुमने फिजिक में एस ऐड कर दिया, वो एक सब्जेक्ट बन गया. जैसे फोर्स है, फोर्स मतलब पावर, और उसमें तुमने एस ऐड कर दिया तो वो आर्मी बन गया. वाटर है, लिक्विड है, उसमें तुमने एस ऐड कर दिया तो वो समुंदर बन गया. तो यहाँ पे ये मत करना कि सर एस ऐड करके हम प्लुरल बना लिए, प्लुरल नहीं बनाया हो, वो ओशन का है, हाँ मीनिंग चेंज किए हो. हुड है, हुड मतलब क्या होता है, पीस ऑफ प्लांट है तुम्हारा, काट है, उसको हुड्स कर दिए तो फॉरेस्ट बन गया वो. एडवाइस है, सजेशन है, उसमें एस ऐड कर दिए तो इन्फॉर्मेशन हो गया. रिटर्न है तुम्हारा, रिटर्न मतलब क्या होता है, फिर से वापस होना. रिटर्न्स मतलब जो टैक्स भरते हो. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास.